ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार से आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा सभी को मालूम है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेस जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जिन्होंने 2021 में कह सकते हैं इस बार का फॉर्म अप्लाई किया है और इस बार एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं, 10 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि एक बात करनी थी कि इस बार जो कह सकते हैं कि आज जो 26 जुलाई है वो आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा, कि जब आप अपने प्रारंभिक परीक्षा का एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हैं। देखिए, कह सकते हैं कि प्रीवियस नोटिफिकेशन में आयोग के द्वारा बताया गया था कि आप जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2021 में जो है मार्च में नोटिफिकेशन निकलने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए थे और इस COVID-19 की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से, इस त्रासदी की वजह से प्रीवियस ईयर 2020 की तरह इस बार 2021 में भी जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बदला गया, मतलब एक्सटेंड किया गया, और एग्जामिनेशन जो सेंटर है कह सकते हैं उसे भी बदलने का मौका दिया जा रहा है प्रीवियस ईयर की तरह। तो फर्स्ट फेज जो था वह 12 से लेकर 19 जुलाई तक था, अब यह जो सेकेंड फेज है वह 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, मतलब आपको 3-4 दिन का मौका दिया जा रहा है। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट फेज में चूक चुके हैं, मतलब जिन्होंने अब तक, मतलब यूपीएससी के द्वारा चाहे वो ना जान रहे हो या इसके बारे में अवेयर ना हो या उनको इस चीज का इंफॉर्मेशन ना मिला हो या फिर किसी चाहे प्रॉब्लम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वह सेंटर चेंज करने में चूक गए होंगे, उनके लिए एक बार सेकेंड फेज में पुनः ऑप्शन, पुनः अपॉर्चुनिटी, पुनः ऑप्शन मिल रहा है जब आप यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का अपना जो है सेंटर को बदल सकते हैं, फिर से चुन सकते हैं। बहुत पता है आपको प्रीवियस फेज में बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा यह क्वेरीज आ रहा था कि सर पटना जैसे सेंटर मतलब मिल ही नहीं रहा। भाई मिल नहीं रहा, वो भर चुका है एक्चुअली। तो मैं बार बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि अगर आपको सेंटर चेंज करना है तो जब साइट ओपन हो, मतलब कल 26 जुलाई से साइट ओपन हो रहा है, तो उसी दिन से आप सेंटर चेंज करने का कह सकते हैं कि जो मौका गवाए ना और उसी दिन चेंज करें। ऐसा नहीं कि 30 तारीख तक अंतिम तारीख है तो 30 तारीख को चेंज करें, नहीं ऐसा होगा क्या, क्योंकि यूपीएससी का फॉर्मूला है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। आप पहले जाएंगे, पहले चुनेंगे, तभी आपको पहले सेंटर अलॉट किया जाएगा। अदरवाइज जब वो सेंटर फुल हो जाएगा, मतलब हर एक सेंटर का एक लिमिटेशन है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर सकती है। मान लेते हैं एक बकेट लेते हैं, बकेट में आप पानी डालेंगे तो उसकी एक कैपेसिटी है कि अगर बकेट फुल हो जाएगा तो कितना पानी लेगा, उसके बाद तो ओवरफ्लो होगा। तो हर एक कह सकते हैं सेंटर का एक लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट को एडजस्ट कर सकती है। तो जब सेंटर फुल हो जाता है, जैसे पटना बहुत सारे विद्यार्थी चुनते हैं, दिल्ली बहुत सारे विद्यार्थी चुनते हैं, चेन्नई बहुत सारे विद्यार्थी चुनते हैं, गुवाहाटी बहुत सारे विद्यार्थी चुनते हैं, कोलकाता बहुत सारे विद्यार्थी चुनते हैं, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट की जो फॉर्मूला है यूपीएससी के द्वारा, उसे देखते हुए आप यूपीएससी का जो फॉर्म आपको जो बदलना हो तो जल्द से जल्द, और कह सकते हैं कि सबसे पहले साइट ओपन होने के बाद आप अप्लाई करें, तभी आपको मिलेगा। पहले जाएंगे तो पहले मिलेगा, हो सकता है कि 30 तारीख तक वो भर जाए। तो इसलिए आपको जो है एक सेकेंड फेज में पुनः अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जब आप अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रारंभिक परीक्षा का सेंटर बदल सकते हैं। इसके साथ साथ माय डियर, और जितने भी विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए कह सकते हैं कि जा रहे हैं, मतलब चेंज करने के लिए जा रहे हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर, उनको मैं कुछ प्रिक्वेशंस या फिर कह सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस बताना चाहता हूं। वो यह है कि जिस मोबाइल नंबर से और जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म भरा था मार्च के महीने में, जब नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा रिलीज हुआ था, तो जब आपने यूपीएससी का फॉर्म जिस मोबाइल नंबर से, जिस ईमेल आईडी उस वक्त आपने दिया था, वो मोबाइल नंबर, वह ईमेल आईडी आपको अपने पास रखना होगा, क्योंकि एक ओटीपी जाएगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करेंगे, उस वक्त एक ओटीपी जाएगा, वह उसी नंबर पे जाएगा, उसी ईमेल आईडी पे जाएगा जिस नंबर और ईमेल आईडी को आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था। इसके साथ साथ आपको कह सकते हैं कि वो जो है जितने भी आपको सेंटर चूज करना होगा, वह चूज करने के बाद अगर वह सेंटर आपको इंडिकेट नहीं करता या फिर मिलता नहीं है, तो आप अदर सेंटर, अदर नियरेस्ट सेंटर आप
चूज कर सकते हैं। तीन चार सेंटर और जो है, जैसे ले हो गया, गुजरात का कह सकते हैं कि कुछ एक दो सेंटर और बढ़ाया गया है, तो कुछ दो चार सेंटर और जोड़े गए हैं आयोग के द्वारा, उन सेंटर के नजदीक अगर आप हैं तो आप उन्हें भी चुन सकते हैं। तो ये कुछ मूलभूत जो बातें थी वो मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा था और बताना चाह रहा था, बिकॉज ये आपको मात्र 3 से 4 दिन का अवसर है, अगर इसे गवा दिया तो फिर आप पछताएंगे। तो मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूं कि आप बेझिझक होके फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के फॉर्मूला को देखते हुए जल्दी जाएं और आज के दिन ही 26 तारीख को ही आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करें, यही बेस्ट होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई डाउट्स, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन।